दोस्तों आज ये वीडियो किसी भी चैनल आइडिया पे नहीं होने वाली। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना दुख शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल को 2 साल दिए। मैंने अपने YouTube चैनल पर दोस्तों 2 साल रेगुलर वीडियो बना के अपलोड किया, लेकिन मेरे को YouTube ने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। दोस्तों आज की वीडियो को बनाकर मैं आप सभी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप YouTube चैनल नहीं बनाओ, लेकिन आज मैं आपको अपना दुख शेयर करूंगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप YouTube पे काम कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी जिससे आपकी भी जो लाइफ है बर्बाद हो सकती है। दोस्तों अगर मैं आपको अपने YouTube चैनल का अभी का हाल दिखाऊं तो यहाँ पर आप लाइव देखिए, मैं अपने YouTube चैनल पर अभी गैप क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वीडियो पे व्यूज ही नहीं आते। YouTube पे मैंने 2 साल बिल्कुल रेगुलर वीडियो बनाए, मैंने एक दिन का भी अपने चैनल पर गैप नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरे को यूट्यूब ने क्या दिया। यहाँ पर अभी मैं वीडियो बना रहा हूं ना, तो यहाँ पर देखिए 100 व्यूज, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 98 व्यूज, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए 92 व्यूज, इसके बाद यहाँ पर 103 व्यूज, अगर मैं नीचे भी स्क्रॉल करूं 390 व्यूज, 351 व्यूज, 162 व्यूज, 70 व्यूज, 130 व्यूज, 415 व्यूज। दोस्तों इस तरीके से अभी मेरे चैनल पर व्यूज आ रहे हैं, और जब मैं इतनी मेहनत करके अपने चैनल पर वीडियो डालता हूँ ना दोस्तों, और यहाँ पर 100 लोग भी उसको अच्छे से नहीं देखते, तो भाई काफी डीमोटिवेट फील होता है और भाई काफी दुख होता है। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो ना, तो भाई ये सोच के मत आना कि मेरे को भी सक्सेस मिलेगी, मैं भी यूट्यूब से अच्छा पैसा कमाऊंगा। भाई 2 साल मैंने अपने चैनल पर रेगुलर काम किया, लेकिन अब बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। अब यहाँ पर मैं इसलिए गैप दे दे के वीडियो बना रहा हूँ कि यार व्यूज ही नहीं आते तो क्या वीडियो बना। आप खुद अपने आंखों से मेरे चैनल का हाल देखिए। दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफी सारी ऑडियंस की बुरी बुरी बातें भी सुनी, यूट्यूब से कुछ एक्सपीरियंस भी मिला, वो मैं आपको आगे शेयर करूंगा कि अगर आप यूट्यूब पे टाइम दोगे तो उससे आपको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा कि मेरे को YouTube से क्या बेनिफिट मिले। लेकिन अगर आप YouTube पे काम कर रहे हो ना दोस्तों, तो आप ये उम्मीद मत लेके आना कि मैं भी YouTube से पैसा कमाऊंगा। अगर आप ये उम्मीद लेके आयोगे कि मैं भी YouTube से पैसा कमाऊंगा और जब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी ना दोस्तों, तो भाई आपको भी बहुत बुरा लगेगा। आप अपनी आंखों से खुद भाई इतनी मेहनत करने के बाद देखो, एक दिन में 100 व्यूज क्या ही पैसा कमा ले, एक दिन में 100 व्यूज, 4 दिन में 98 व्यूज, बताओ ऐसा मैंने क्या गलती की। दोस्तों मैंने अपने सभी जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, सभी की बातें सुनी मैंने कि अपने चैनल पर ये अप्लाई कर लो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा, आप अपने चैनल पर ये अप्लाई कर लो आपके व्यूज आ जाएंगे, अपने चैनल पर ये सेटिंग कर लो आपके व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक पर्सनली अपना 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अगर आप इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बातों में आके ये सोचोगे ना कि मैं ये सेटिंग कर लेता हूं व्यूज आ जाएंगे, मैं ये सेटिंग अप्लाई कर लेता हूं व्यूज आ जाएंगे, तो भाई उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। मैंने 2 साल बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो को देखा, जो जो सेटिंग उन्होंने बताई भाई वो ही यहां पर मैंने अपने चैनल पर अप्लाई की, लेकिन फिर भी आप अपनी आंखों से देखो कुछ नहीं हुआ। मैं आपको पर्सनली अपना 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करके बता रहा हूं, अगर दोस्तों जैसे YouTube ने मेरे को बर्बाद किया, अगर आप बर्बाद नहीं होना चाहते तो आप अपने दिमाग से काम करना, अपने दिमाग से सोच के काम करना, इन बड़े यूट्यूबर्स की बातों में मत आना। भाई सेटिंग अप्लाई करने से, ये सेटिंग करने से, वो सेटिंग करने से कुछ भी नहीं होता। मैं अपना 2 साल का पर्सनली आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि आपको इन बड़े यूट्यूबर की बातों में नहीं आना। आगे मैं आपको वीडियो में अपनी अर्निंग भी दिखाऊंगा, क्योंकि काफी सारे
मेरी जो प्यारी ऑडियंस है वो भी पूछती है कि सर आप कितना पैसा कमा रहे हो, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि भाई मैं कितना पैसा कमा रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप चैनल ना बनाइए, भाई चैनल बनाओ, लेकिन इन बड़े यूट्यूबर की बातों में मत आना कि सब्सक्राइबर ऐसे बढ़ाओ, व्यूज ऐसे बढ़ाओ। जो करना है अपने दिमाग से करना है, जो आपने करना है खुद से सोच के करिए, ध्यान से करिए, अगर आपको यूट्यूब से पैसा कमाना है। भाई मैंने 2 साल रेगुलर वीडियो बनाई है, 2 साल, एक भी दिन मैंने गैप नहीं दिया अपने चैनल पर, एक भी दिन, चाहे मेरे को दिन रात वीडियो बनानी पड़े, लेकिन एक दिन का भी मैंने गैप नहीं दिया कि इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बातों को सुन के कि रेगुलर वीडियो डालो, लेकिन मैंने एक दिन का भी गैप नहीं दिया। 2 साल थोड़े नहीं होते, 2 साल, 2 साल में मैंने एक भी दिन का गैप नहीं दिया, लेकिन अब मैं गैप दे रहा हूं। क्यों भाई, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, क्या वीडियो बनाऊं यार, कोई देखता ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं करता, कुछ भी दिल नहीं करता। तो अगर आपको ऐसा लगे दोस्तों कि आपको भी काम करना है, पैसा कमाना है, तो बड़े यूट्यूबर की आपको बातें नहीं सुननी, खुद आपने काम करना है, खुद सोच के करना है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यूट्यूब ने मेरे को क्या दिया, आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करता हूं। दोस्तों मेरे को यूट्यूब ने बहुत कुछ दिया, जैसे कि सबसे पहले कि वीडियो मेरी आप उठा के देख लेना, बिल्कुल ओल्ड, मेरे को बोलने भी नहीं आता था अच्छे से, मैं कैमरे के सामने 10-10 बार 20-20 बार रुक के बोलता था, लेकिन अब की वीडियो देखो मैं अच्छे से बोल पाता हूं। अगर यहां पर मेरे को कहीं पे भी खड़ा करके एक माइक देके काफी सारी ऑडियंस के सामने बोलना पड़े ना, तो वहां पर भी मैं अच्छे से बिना रोक के बोल दूंगा, सारी ऑडियंस को अच्छे से समझा दूंगा। सबसे पहला बेनिफिट यूट्यूब ने मेरे को यह दिया 2 साल के अंदर कि मेरे को बोलने का पूरा अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। और दूसरा बेनिफिट मैं अच्छे थंबनेल बना लेता हूं, मेरे को एडिटिंग करना आया है इसी यूट्यूब की वजह से कि मैं एडिटिंग बिना सोचे समझे अपना थंबनेल बना लेता हूं। दूसरी, मैं वीडियो को एडिटिंग कर लेता हूं, वीडियो में यहां पर जो एडिटिंग करनी है वो यहां पर कर लेता हूं, ये मेरे को यूट्यूब ने दूसरा तीसरा बेनिफिट दिया है। और अगर आप इन बेनिफिट को लेना चाहते हो तो भाई काम करना, लेकिन मेरा कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको ये वीडियो बना के डीमोटिवेट कर रहा हूं। भाई काम करो, लेकिन इन बड़े यूट्यूबर्स की बातों में मत पड़ना, भाई इसी तरीके से आपका भी हाल होगा। मैंने सब यूट्यूबर की बात सुनी है दोस्तों, सब A to Z सब यूट्यूबर की, लेकिन यहां पर देखिए रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। भाई एक एक दिन में 100 व्यूज भी नहीं आ रहे, 4 दिन में 98, 8 दिन में 92, 12 दिन में 103। भाई काम करने का दिल करेगा? बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं बिना सोचे समझे। भाई कभी कुछ मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस मिल गया। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करा नहीं, मैंने अपनी लाइफ में कुछ करके नहीं देखा, ये मेरे को फील नहीं होगा। बाकी मैंने आपको एक अपना पर्सनली 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो सोच समझ के आना, अगर आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो तो इन बड़े यूट्यूबर की बातों में मत आना, नहीं तो आपका भी यही हाल होने वाला है। भाई किस्मत की बात है, जिसका निकल गया तो निकल गया यूट्यूब चैनल, जिसका नहीं ग्रो हुआ तो भाई नहीं हुआ, ये किस्मत की बात है। बाकी मैं भी काम कर रहा हूं, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, करते हैं 1-2 साल और काम, फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी इस वीडियो में मेरा किसी को भी डीमोटिवेट करने का मतलब नहीं था। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, तब तक ले दोस्तों जय हिंद जय भारत।